नावा फरोल भावरो मरापा मनवाल नार पांडरकोड़ा जिला यवतमाळ महाराष्ट्र तालुक्यानो वर्ग श्रीमंतनो नावा जन्म कोया समजून को वाता नवा भाषा कोया नवा पुनेम कोया इंजर्नना कोया बोली ते सुरुवात किशर म्हणतो नवा नेटा विषय म्हणता कोया पुनेम इदु जीवन जगी मायवाल रस्ता हिंदी ते दिनांता कि जीवन जगने का मार्ग है कोया पुनेम। मैं भावराव मरापा पांडरकोड़ा में रहता हूँ जिला यवतमाल महाराष्ट्र। सभी सगाजनों को मेरा जय सेवा जय गुणवाना। सगाजनों एक तत्ववेत्ता ने कहा है जिस समाज में अपना जन्म हुआ उस समाज का उत्थान करना यह मेरा कर्तव्य है। इस विषय का जिस जिस सगाजन को ज्ञान है वह सगाजन धन्य है। तो मेरा भी जन्म कोया समाज में हुआ। कोया समाज में होने के वजह से मैं मेरे गोंड समाज के लिए क्या क्या कर सकूं, गोंड समाज के उत्थान के लिए मेरा क्या क्या योगदान होना चाहिए, इस विषय का मुझे ज्ञान होना चाहिए। इंजीनियर नना नवा जीवन जगी माने के नवा समाजून नन महान योगदान सिका तेना नना हेतु इरंतो। नना नवा कोया समाजून योगदान सियांसाठी मेरे समाज को योगदान देने के लिए मैंने 2001 में एक बहुउद्देशीय आदिवासी विकास ग्राम विकास संस्था ओपन की और उस संस्था के द्वारा मैंने पांडरकोड़ा में गोटुल इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की। अभी गोटुल इंग्लिश मीडियम स्कूल में 200 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उसमें 50% मेरे समाज के बच्चे हैं। शिक्षा पढ़े बिना हमारा हितचिंतक कौन है, हमारा दुश्मन कौन है यह समझ नहीं सकता। इसलिए हमारे समाज का हर बच्चा पढ़ना चाहिए। इसलिए पांडरकोड़ा में मैंने गोटुल इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की। वह स्कूल अभी अच्छा चल रहा, उसमें 50% बच्चे अपने समाज के हैं। दादा, मेरा बोलने पर मार्गदर्शन करने पर
उतना विश्वास नहीं है। अपन खुद कार्य करना चाहिए, अपने को जो चांस मिलता है, जो संधि मिलती है, उस संधि का सोना करना, समाज को योगदान देना, यह ध्यान में रखना चाहिए। जब पांडरकोड़ा नगर परिषद में नगराध्यक्ष का पद आदिवासी के लिए निकला था, समाज ने मुझे यहाँ खड़ा किया, मैं चुन के आया और पांडरकोड़ा नगर परिषद का जब अध्यक्ष बना, तो पहले मैंने क्या किया कि पांडरकोड़ा का जो मेन चौक है, उस मेन चौक को वीर बाबूराव शर्मा देने का मैं ठहराव लिया और चौक को मैं वीर बाबूराव शर्मा के नाम दिया। दोस्तों, इतने बात पर मैं नहीं रुका, खुद करने से नहीं बिकते, समाज को जागृत करने के लिए जो पांडी पारी कुपार ने लिंगों ने जो अपने एक फिलॉसफी बनाई है, अपने विचार, अपने जो संस्कृति बनाई है, वह अपन तो खुद उस मार्ग पर चलते हैं, लेकिन लोग भी चलना चाहिए। इसलिए हमने पिछले साल 24 मार्च को पांडरकोड़ा में बहुत बड़ा कोया पुनेम का आयोजन किया गया था। उसमें हमने अपनी गोंडी साहित्यिका सुशीलाजी ध्रुवे, केपी प्रधान साहब और सूर्यबाली ध्रुवे इनको बुलाकर हमने यहाँ उनके विचार अपने लोगों को सुनवाया कि उनमें बदल हो जाए, क्योंकि पांडी पारी कुपार ने जो संस्कृति बनाई है, जो फिलॉसफी बनाई है, तो इस पर अभी आर्य संस्कृति का असर हुआ है। अपने लोग, अपने विचार, अपनी संस्कृति बहुत से छोड़ने लगे। कैसे कि अपने जो गोंडी संस्कृति में अपनी शादी लड़के की यहाँ होती और अपन दहेज नहीं लेते, लेकिन अभी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वे दहेज लेने लगे और अपनी शादी लड़की के यहाँ करने लगे। तो अपनी संस्कृति अनुसार अपन लड़की के यहाँ शादी नहीं करते। पांडी पारी कुपार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जिस माँ बाप ने लड़की को जन्म दिया, उसे बढ़ाया, उसे पढ़ाया, इसलिए लड़के के तरफ से लड़की को पचुनी करके कुछ अनाज और कुछ रकम देने की प्रथा है। लेकिन अभी जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो लड़की से दहेज लेते हैं और लड़की के यहाँ शादी करते हैं। तो अपनी जो संस्कृति है, अपनी संस्कृति क्या है, ये समझने के लिए हम सुशीला दीदी ध्रुवे, सूर्याबाली ध्रुवे इनको बुला के उनसे हमने समाज को समझाया है। हम हर साल जो अपना कचरगढ़ का मेला होता है, कचरगढ़ के मेले के लिए पांडरकोड़े से हमारा जो जंगोदय पेंट आना है, तो हम एक ट्रैवल्स करते हैं, उसमें 50 लोग भर के ले जाते हैं और वहाँ कचरगढ़ के गुफा में उन्हें हम शपथ दिलाते हैं। वहाँ जो चारदेव सगा के लोग हैं उन्हें वो चार कंकल उठाते हैं, पांचदेव सगा के लोग हो वो पांच कंकल उठाते हैं, छहदेव सगा के लोग हो वो छह कंकल उठाते हैं और सातदेव सगा के लोग हो वे 7 कंकल उठाते हैं, और वे आके उनके जो पेंठाना है वो उनके पेंठाने में उनके जो पुराने जो वो मानते थे, श्री कृष्ण हो, वो साईं बाबा हो,
या वो गजानन बाबा हो, ये सब मूर्तियाँ निकाल के हम नदी में उनको छोड़ देते हैं और अपने भगवान अपने पांधी पारी कुपार लिंगों का उनके पेंठाने में स्थापना करते हैं। इस तरह यह कार्य है। हमारी भाषा अपनी भाषा गोंडी है, सबको गोंडी बोली आनी चाहिए। तेलंगाना में गोंडी बोलते हैं, लेकिन अभी नागपुर, वर्धा, अभी बहुत एमपी, बहुत से इन्हें स्टेट में गोंडी भाषा छोड़ दिया है कि हिंदी भाषा बोलते हैं। हमारे यवतमाल ज़िले में भी हम अभी गोंडी बोलते हैं, मुझे गोंडी आती है, लेकिन अभी जो अभी के बच्चे हैं उनको गोंडी मालूम नहीं है करके मैंने 2009 में चला गोंडी सिकुया ऐसे हजार किताब निकाल के सबको बांट दिया है। इधर गोंडी सेंटेंस और इधर मराठी सेंटेंस। हमारे डिस्ट्रिक्ट में मराठी चलती है, महाराष्ट्र में मराठी चलती है, तो गोंडी का एक सेंटेंस उसके सामने मराठी। इस तरह हमने हजार किताब निकाल के सब बच्चों को बांट दिए है। इसके बाद भी यहाँ जो गोंडी का प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसलिए ये जो सीजीनेट है, सुधांशु चौधरी और लालसु नागोटी ये जो सीजीनेट चलाते थे, गोंडी भाषा का मानकीकरण करते थे, यहाँ हमने उनको बुला के 3 दिन का यह सेमिनार लगाया। वहाँ गोंडी जो रेडियो है, गोंडी रेडियो के जो न्यूज़ है कैसे सुनना, वहाँ प्रोग्राम रखा। हर दिन 100 लोग यहाँ आते थे, यहाँ वो खाना पीना उनका इंतजाम किया और हम जो उनका जो समारोह है वो गोंडी जो गाने हैं, गोंडी डांस है, यह गोंडी डांस से हम उनका समारोह किया। दोस्तों कि हमारा जो यहाँ जो अपना जो जो पांधी पारी करो पुकवा को जो मार्गदर्शन करने वाली सहायक करने वाली जंगोदाई है, जंगोदाई का यहाँ एक पांडाकोड़ा में एक पेंठाना है। वहाँ बहुत दिन से वहाँ अपने लोग अपना ढोल बजाते जाते थे, वहाँ एक झाड़ के नीचे पूजा करते थे और वापस आते थे। जब मैं पांडाकोड़ा नगरी का नगराध्यक्ष बना तो उस ठिकान का मैंने विकास करने का सोचा। वहाँ तक मैं लाइट ले गया, वहाँ अब बहुत से लोग आने लगे, तो इतने से लोगों में परिवर्तन नहीं होगा, कुछ तो भी करना चाहिए करके मैंने 3 दिसंबर 2019 को वो जंगोदाई पेंठाना यह रजिस्टर्ड किया कि मैं रहने के बाद में, मैं जाने के बाद में भी यह कार्य चलना चाहिए। और उसमें कुछ उद्देश्य डाला है, 14 उद्देश्य डाला है कि गोंडी, उसमें जो पहला ही उद्देश्य है कि गोंडी संस्कृति के जतन करून सण उत्सव विविध उपक्रम राबविणे, जो जंगोदाई का जतन करना चाहिए, उस गोंडी साहित्य है वो छापकर उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। अगर ये ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के इससे यह गोंडी जो साहित्य है, गोंडी त्यौहार है, गोंडी उत्सव है, इसका अब जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसको मालूम होना चाहिए कि गोंडी संस्कृति क्या है, कि अपने इसमें क्या है कि अपने कुपार ने जो फिलॉसफी तैयार किया है उसमें गोंड मरने के बाद उसे दफनाया जाता है। लेकिन अभी शहरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सर्वेंट है, वो क्या करते कि उसे जलाते हैं, उसका अपने इसमें दफन है, और वह वेन रूप से पेन रूप में मिलने के लिए पेन कारून करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते कि जो आर्य संस्कृति का अनुकरण करके वो 13 दिन के बाद तेरवी करते हैं। तो ये जो अपने जो संस्कृति है, ये संस्कृति अपने लोगों को मालूम होना चाहिए कि गोंड कोई भी गोंड हो तो वो मरने के बाद उसे दफनाना चाहिए और उसका पेन कारण करना चाहिए। यह करने के लिए जो विविध उपक्रम है कि पहले यह इधर हमारे जो शादियां है, शादियां लगाने के लिए बम्मन को बुलाते थे, लेकिन हमने क्या किया कि अपना जो
भूमक दादा उनसे हमने संपर्क किया और हमारे यहाँ के दो चार लोग पहले उनको दीक्षा लेने लगाए। बाद में पांडरकोड़ा में जंगोदाई थाना पे हमने 19 जनवरी 2020 को हमने यहाँ भूमका दीक्षा का यहाँ आयोजन किया। यहाँ के युवक है, यहाँ के युवतियाँ हैं, उनको बुला के उनको हमने 50 लोगों को हमने दीक्षा दी कि अपनी शादी अपनी ही पद्धति से लगनी चाहिए। तो जो लोग केवल बोलते हैं लेकिन मेरे बोलने पर मेरा विश्वास नहीं है कि हमने कि पहले अपने कृति करना चाहिए, कृति करने से उसका प्रभाव अच्छा गिरता है। तो हम हर साल जो कचारगढ़ में जाते हैं तो हमारी उषाता यात्रा दीदी है उनके यहाँ रुकते हैं, तो कचारगढ़ खोजी दल में खोजी दल जो 5 लोगों की दल है उसमें लिंगोवासी के बी मरसकोले साहब है, उसमें लिंगोवासी मोतीरावन कंगाली साहब है, उसमें लिंगोवासी सुंदर सिंह ताराम साहब है, उसमें भरत पोराम साहब है, उसमें शीतल मरकाम साहब है। इनमें से मेरा केबा मरसकोले साहब से, मोतीरावन कंगाली साहब से और सुंदर सिंह ताराम साहब से और शीतल मरकाम साहब से बहुत नज़दीक का संबंध आया है। फोन तो बंद कराना मतलब तुम्हारा तो सुंदर सिंह ताराम दादा मेरा करीब 30 साल से संबंध है। सुंदर सिंह ताराम दादा और उषा किरण आतराम आतराम दीदी इनको मैंने 1995 में यहाँ बुलाया था। यहाँ मैंने जंगोदाई स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र का उनके हाथ से ओपनिंग किया था और मैं शुरू में दादा कि अपने जो समाज के 10वीं और 12वीं के जो छात्र छात्राएं हैं ये पास होने के बाद 5 जिनको वीरांगना रानी दुर्गावती का जो स्मृति दिवस है उस दिन मैं उन छात्रा छात्राओं का सत्कार करता था और प्रबोधन करता था। बाद में मैंने कुछ अपने जो गोंड समाज के युवक युवतियां हैं उनके शादी करके देना शुरू किया कि अपना समाज गरीब होता है, तो मैंने ऐसे 100 लड़कियां और लड़कियों की शादी करके दिया, यह भी मैंने छोड़ दिया। बाद में अपने बच्चे कुछ अधिकारी बनने चाहिए, एमपीएससी थ्रू उनका सिलेक्शन होना चाहिए करके मैं सुंदर सिंह ताराम दादा और उषा किरण आतराम दीदी इनके हाथों से 95 में मैंने जंगोदाई स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र शुरू किया और वहाँ 20,000 के एमपीएससी के किताब लाके अपने गोंड समाज के अपने आदिवासी समाज के जो छात्र थे यहाँ उनको मैं फ्री में उनको किताबें देता था। हमें उस समय ताराम साहब का और बहुत सहयोग मिला, ताराम साहब का हमें मार्गदर्शन मिला। ताराम साहब गोंडवाना दर्शन यह पत्रिका चलाते थे, मैं भी उस पत्रिका का सदस्य बना। हमारे इधर के जो कुछ लोग थे उनको भी उसकी फीस देके वह उनको लगा कर दिया कि उसमें अपने समाज के जो रीति रिवाज है, अपने समाज के प्रोग्राम है, अपना गोंड राजा यह हमें गोंडवाना दर्शन में पढ़ने को मिलता था। तब से मैंने शुरू किया और मेरे पीछे लाइब्रेरी दिख रही है ये सब गोंडवाना
बोल तो गोंडवाना कल्चर, यहाँ मोतीरवन कंगाली दादा हो, वेंकटेश आतराम दादा हो, उषा किरण आतराम हो, हाँ, या ऐसे बहुत से अपने जो गोंडी संस्कृति पर जो जो लिखते हैं, तो जहाँ जहाँ मुझे वो किताब मिलता है तो यह मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है और मैं तो पढ़ता। और यहाँ के जो युवक युवतियाँ हैं उनको भी मैं यहाँ पढ़ने को देता। तो मैं जैसा यह काम करता इसी तरह कि अपने को कहीं भी क्षेत्र में अपने को संधि मिली या तो समाज का इसका फायदा कैसा होना चाहिए यह हर व्यक्ति ने देखना चाहिए। कहते हैं एकादे उच्च पद पर गए तो समाज को भूल जाते हैं, वह नियम बताते हैं कि सरकारी नियम, सरकारी नियम नहीं देखता दूसरे को, कि अपना समाज का मिला तो उसको कैसा न्याय देना चाहिए यही देखते। लेकिन हमारे समाज के ऐसे कुछ अधिकारी है नियम बताते हैं, इसलिए मैं केवल मार्गदर्शन करने पर मेरा विश्वास नहीं है। पांडी पारी कुपार ने जो, लेकिन अपने को मालूम नहीं, देखो अपन तेलंगाना में मैं जाता हूँ, वहाँ जो गोंड महासभा लगती है तो वहाँ गोंडी भाषा कंपलसरी है, बोले बिना वहाँ लड़की नहीं देते। लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं कि वह भाषण बात या भाषण के आखिर तो वह राम राम से करते हैं। तो मुझे अजूब लगा कि जिस राम ने हमारी गोंडी संस्कृति, हमारे राजा रावण को मारा, तो हमारे लोग कि हमने भाषण की शुरुआत जय सेवा से करना चाहिए, जय जोहार से करना चाहिए, आखिरी जय सेवा से करना चाहिए, लेकिन वहाँ के लोग वह राम राम से करते हैं। तो वहाँ यह जो केसलापुर हमारा जो एक है, वहाँ एक दिन गवर्नमेंट का वहाँ ये लगता सभा लगती है और एक एक समाज का, तो उसमें मैं गया था तो वहाँ के लोग बोलने लगे कि भाषण की शुरुआत वह राम राम से करने लगे। तो मेरा जब नंबर लगा तो मैं इस विषय पर बोला, हम गोंड लोग हैं, हम गोंडी में बात करते हैं, हमारा राजा कौन है, राम ने मारा, आपको कोई बुरा ये नहीं करते, लेकिन जिस राजा को राम ने मारा तो हमारी शुरुआत राम राम से नहीं होनी चाहिए कि जय सेवा से होनी चाहिए। तो वहाँ भी जागृत करने की बहुत आवश्यकता है तेलंगाना में। वहाँ के हमारे अर्जुनश्रीराम है, हाँ, वो उधर काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो अपने बाकी प्रदेश के लोग हैं, प्रदेश के लोगों को भी वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे इधर महाराष्ट्र में बहुत सी जागृति हुई है, कोया पुण्य के प्रोग्राम होने लगे हैं, लेकिन जो हमारे गांव में जो पंच कमेटी होती है पांडी पारी की है कि हर गांव में हमारा महाजन, घटिया, कारभारी और वहां देवारी होता है, कि निवाड़ा हमारे समाज में होता है, सब अभी भूलने लगे। अभी कोई झगड़ा हुआ, कुछ हुआ तो अभी कोर्ट कचहरी में जाते हैं, तो यह होना नहीं चाहिए। तो इस पर भी हमने कुछ विचार करना चाहिए। दोस्तों, अभी मोतीरावन दादा ने, मोतीरावन गंगल दादा ने और अपने सुंदर सिंह ताराम दादा ने, इन्होंने बहुत सा साहित्य उपलब्ध करके दिया है, तो यह हम पढ़ना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और हमारा समाज अभी गरीब है, तो हमारे जो एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय ने अपने जो उत्पन्न है, उत्पन्न का कुछ हिस्सा जमा करके कि लाइब्रेरी या हमारे समाज को मदद करना चाहिए। लेकिन
हमारा क्या चल रहा है हमारे हमारे कर्मचारियों का, कि हम साड़ी माड़ी और गाड़ी में मशगूल है। साड़ी यानी बीबी, माड़ी यानी घर और गाड़ी, इसमें हम मशगूल है कि जिस समाज से हम यहाँ आए हैं, कि मैं समाज का था, गोंड समाज शेड्यूल ट्राइब में है, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है, इसलिए यह पद मुझे मिला। यह सब हमारे एम्प्लॉय, कुछ एम्प्लॉय, सभी ऐसे नहीं है, कुछ एम्प्लॉय यह भूल जाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, हम अगर सभी यह ध्यान रखें तो कुछ देर नहीं कि हम हमारा जो गोंडवाना हम खड़ा कर सकते हैं। कि हम कुछ हम बोलते हैं, जैसे तेलंगाना यह निर्माण हुआ या पहले आंध्र प्रदेश था, तो तेलंगाना के लोग इतने रास्ते पे आए कि उनके गाड़ियां बंद कर दिए, बसेस बंद कर, के यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं रास्ते पर आ गए। आखिर सरकार को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना देना पड़ा। हम केवल मांग कर रहे हैं, हमारे गोंडवाना, हमारा गोंडवाना पहले था, हमारा गोंडवाना संस्कृति है कि इस धरती पर जो पहला जो पुनेम है वह कोया पुनेम है। बाद में ये सब बाद में जो निर्माण हुआ उसका बहुत बोलबाला हो रहा है, लेकिन जो हमारा कोया पुनेम है, जो सत्य विचार पर है, जो निसर्ग विचार पर है, उसका उतना बोलबाला नहीं हो रहा। क्योंकि अब जो सीनियर लोग है, तो कोई भी मैं देखता हूँ भाई, कोई कोया पुनेम केस में कि यहाँ ज्यादा है, लेकिन युवा पीढ़ी बहुत कम, कमलेश गोंड है। और वो परसों बोले जीएसयू की तरफ से कि मैंने उस पर मेरा जो ये डाला था कि बाकी स्टेट में भी युवा युवतियों को कोया पुनेम के प्रभाव में लाए। अगर युवा पीढ़ी का हमको समर्थन मिले बिना मेरी भी एज अब 57 साल हो गई, मैं 10-20 साल जीऊँगा। तो ऐसे सीनियर जो हमारे प्रकाश सलामी दादा है, हमारे जो पुराने लोग हैं, कुछ लोग तो चले गए, जो अभी जो कचारगढ़ खोज दल में जो 5 लोग थे उसमें 2 बच्चे वाले हैं, अभी के बी मरसकुले साहब भी चले गए हैं, मोतीरावन कंगाली दादा भी चले गए हैं, सुंदर सिंह ताराम दादा भी चले गए, अब केवल अभी भरतलाल कोराम और जी बचे वाले हैं। वे जब गोंडवाना मुक्ति सेना चलाते पांडरकोड़ा में, इधर ये एरिया में आते थे, हमने भी यहाँ बहुत उनको सहयोग किया। और मैं ये जो 30 साल से मैं जो काम कर रहा, कि हमारे समाज में जो जागृति का काम, वह महिला हो या पुरुष हो, तो हम 5 जून को जब रानी दुर्गावती का स्मृति दिन मनाते थे, हम जो 10वीं 12वीं के जो छात्र है उनका हम सत्कार करते थे, और एक व्यक्ति को हम वीरांगना रानी दुर्गावती पुरस्कार देते थे, और उनको एक स्मृति सम्मान पत्र और 750 रुपये देते थे। तो हमने वह हमने उषा किरण आतराम को 95 में हमने यह पुरस्कार दिए थे। और यहाँ जो हमारे एरिया में काम करने वाले निरंजन दादा मसरा, हमने वीरांगना रानी दुर्गावती पुरस्कार दिए थे। ये भाग में एक लड़की थी रेखा कुमरे नाम की, रालेगांव की, वह भी गांव-गांव में जाकर कोया पुनेम का प्रचार प्रसार करती थी। उस समय उनको भी हमने वीरांगना रानी दुर्गावती पुरस्कार दिए। और यवतमाल के एक साहित्यिक है दशरथ मड़ावी, वह भी आदि, वह भले कोया पुनेम पे काम नहीं करते थे, वह आदिवासी विषय पे काम करते थे, लेकिन वह आदिवासी अपने समाज का काम करते थे, उनको भी हमने वीरांगना रानी दुर्गावती पुरस्कार दिए। इस तरह हम यह हमारे समाज जागृति लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन से विषय पे, कि हमारी भाषा टिकनी चाहिए। तो हम यहाँ कुछ गोंडी समाज के क्लास भी चलाते थे, हम किताब भी बांटे हैं। तो इस तरह सभी, तो हमारे समाज को
जागरूक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, यह करना चाहिए। तो हम यहाँ हमारे जंगोदय पेंटाना की ओर से जो दशहरा होता है, दशहरे को हम सब लोग पहले हम सोना चांदी बांधने के लिए वो शमी के पत्ते और वो ज्वारी के पत्ते लेके घर घर जाते थे, लेकिन हमारे पूरे लोग जंगोदय पेंटाना के ठिकान पर जमा जो होते हो जाते हैं, वहाँ हम रावण पूजा करते हैं। हम रावण पूजा करते हैं, हम किसी के वही सब हम लोग मिल जाते हैं, वहाँ रावण की पूजा करते हैं। तो इस तरह हर गांव में, हर एरिया में हमने अगर काम शुरू कर दिए तो कुछ दिन के बाद जो हमारा कोया पूनम क्या है, हाँ, तो सब अभी जो हमारा चौथा जो लिंगो है कुंवारा भीमल पेन, कुंवारा भीमल जो जयंती थी, तो आर्य लोगों ने वो हनुमान जयंती कर दिए। हमारे जो देवता थे उनके नाम बदल कर उनके दूसरे दूसरे रख दिए। हमारे पांडरकोट हम केलापुर में हमारे वो जंगोदयी थी, तो 1982 में यहाँ के लोगों ने वहाँ और जंगोदयी को उन्हें जगदम्बा कर दिए। हमारा समाज के दो लोग थे उसमें, एक गोंड समाज का और एक हमारे प्रधान गोंड। तो गोंड समाज का हमारा जो सदस्य 2014 में गुजर गया, लेकिन अभी तक उन्होंने गोंड सदस्य नहीं लिया। हमने वहाँ जो ट्रस्ट है, ट्रस्टी है, वहाँ जो अध्यक्ष है, उनके तरफ हमने 2-3 बार गए, लेकिन अभी तक हमको न्याय नहीं मिला। तो हम सब मिलकर अगर ऐसे जो विषय है, ये विषय पर हम अगर उसका पाठ पुरावा करते रहे तो हमको न्याय मिलेगा। तो पहले यहाँ जंगोदय पेंटाना बहुत छोटी थी, तो यहाँ अभी उसका बहुत विकास होने लगा। अभी हमने यहाँ जो वन हक समिति दाखिल करके, वन हक समिति से हमने एक फॉरेस्ट एक्ट है, वो फॉरेस्ट एक्ट में हमको 3-2-ड करके एक फॉरेस्ट एक्ट है, तो उसमें अगर किसी आदिवासी का फॉरेस्ट एक्ट में वहाँ कोयतूर या गोंड नहीं चलता, वहाँ आदिवासी बोलना पड़ता है। तो कोई आदिवासी का कोई पेंठाना है, वो जंगल में रहने वाले हो या वो जंगल के किनारे में रहे, एक हेक्टर बोल तो 2.5 एकड़ जगह मिल सकती। तो हमने वहाँ वैसा प्रस्ताव तैयार किया है, सब नगर पालिका से, जो बाकी डिपार्टमेंट से, एनओ से लिया है, और हमने प्रस्ताव दाखिल किया है फॉरेस्ट का। अभी हमको एक लेटर आया है कि हम एक हेक्टर जगह देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ आप क्या बनाना चाहते उसका प्लान, इस्टीमेट और काम करने वाली एजेंसी कौन सी है, यह हमको लिखित रूप में दीजिए, हम आपको एक हेक्टर जगह मंजूर करते। तो इस तरह के अगर हर एरिया में अपने समाज को न्याय देने वाले जो पेंठाने हैं वह निर्माण किए, तो गोंडवाना निर्माण होने में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अभी तो वैसे बहुत विषय है, तो ये हम तो अभी आपको मैंने अभी बताया है कि हमने 24 मार्च 1919 को पांडरकोट में बहुत बड़ा राष्ट्रीय गोया पुनेम महासभा लिया था। उसमें हमने सुशीला धुर्वे गोंडी साहित्यिक और केपी प्रधान राष्ट्रीय पुनेम प्रचारक और डॉक्टर सूर्याबाली धुर्वे पाड़, इनको बुला के करीब करीब यहाँ 70,000 हमारे सगाजन इकट्ठा हुए थे। हमको वहाँ कभी करीब 10 लाख रुपए खर्चा किए, हम सब सबका खाने का हमने इंतजाम किए, बहुत बड़ा बड़ा मंडप डाले थे, और अलग अलग एरिया से
जो अपने बूंदी सांस्कृतिक कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ भामरागढ़, हमारे बिच्छू दादा वड्डे है, उन्होंने भामरागढ़ से भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम लाया था, सबको हमारा जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो भी हमने लोगों को बताया कि अगर ऐसे करते रहे हर एरिया में तो हमारी कोंडी संस्कृति क्या है। अभी 17 और 18 मार्च को कि जो अपने जो गोंडी पूनम है इसको धर्म कोड मिलना चाहिए, इसलिए अखिल गोंडवाना कोया पूनम भूमक सेवा संस्थान के ओर से दिल्ली में एक आंदोलन रखा गया था रावण नीवनाथ दादा के नेतृत्व में, तो मैं भी वहाँ गया था। मैं भूमक नहीं हूँ लेकिन वहाँ गया, तो वहाँ मैंने विचार रखा। दूसरे दिन 18 तारीख को जो भारत के आदिवासी संगठन है उन्होंने भी आदिवासी धर्म होना चाहिए, बोलते शेड्यूल ट्राइब धर्म होना चाहिए, उन्होंने रखा। वहाँ भी मैंने विचार रखा कि कोया को संस्कृति है, इतिहास है, रीति रिवाज है, लेकिन बाकी इसको नहीं है, तो कोया पूनम को ही धर्म कोड मिलना चाहिए, विचार वहाँ रखा। तो इस तरह दोस्तों कि हमको जहाँ हमको जगह मिली तो हमारे समाज को हम कैसे न्याय दे सके इसका विचार करना चाहिए। कि सब मैंने ये जो मैं बोलता नहीं हूँ कि जब मैंने 2001 में एक संस्था रजिस्ट्रेशन किया और उस संस्था से मैंने यहाँ एक गोटुल इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, तो उसको 9 सितंबर 2005 को इसको मंजूरी मिली। अभी स्कूल अच्छा चल रहा, वहाँ करीब 200 बच्चे हैं, 200 छात्र छात्रा हैं, उसमें 50% है, तो उनको अभी जो सीजीनेट ने जो गोंडी डिक्शनरी बनवाई थी तो पूरे मैंने 50 डिक्शनरी बुला के सब बच्चों को मैंने दे दिया कि सब बच्चों को गोंडी आने चाहिए। तो हम जब हमारा नवरात्र में यहाँ जंगोदाई का जो एक प्रोग्राम चलता है तो उसमें ये जो अपने छात्र छात्राएं हैं तो उसमें कि अपने जो गोंडी देव देवता है, अपने जो कल्चर है, इसमें हम एक पेपर लेते हैं उनका और उसमें कुछ हम बच्चों को गिफ्ट देते हैं। अगर हम ऐसे नहीं किए तो हमारे छोटे बच्चों को गोंडी संस्कृति का है, गोंडी देवता का है कि ये कुछ मालूम नहीं होगा। तो जब मैं एक स्कूल में एक बच्चे को पढ़ा रहा था तो हमारा एक गोंड बच्चा था, मेसराम उसका सरनेम था, उसको बच्चा उसको मैंने सवाल पूछा कि बेटा तुम्हारे देव देवता कौन से है, तो उस बच्चे ने नाम दे मुझे जवाब दिया कि मैं मेरा भगवान है सवारी बोले। तो गोंड लोगों का सवारी यह भगवान हो ही नहीं सकता कि उनके माँ बाप ने वे सवारी का पूजन करते हैं, सवारी को उठाते हैं, इसलिए वो बच्चे ने मेरा भगवान सवारी ही बोला। सवारी बोल तो ये जो मुसलमान का वो जो होता है ना सवारी, हमारे इधर सवारी बोलते, आप आपके एरिया में क्या क्या बोलते मालूम नहीं। हमारा वो बच्चों को हम बताना चाहिए कि हमारा भगवान पेरसापेन है, हमारे इधर पेरसापेन बोलते, कुछ भाग में बड़ा देव बोलते हैं, कुछ भाग में फड़ापेन बोलते हैं, तो हमारे एरिया में हम बड़ा देव को पेरसापेन बोलते हैं। हमारा भगवान पेरसापेन है, हमारा भगवान जंगोदई है, हमारा भगवान कुवारा भीमलपेन है। यह हर माँ बाप ने अपने बच्चों को बोलना चाहिए। कैसे मुझे जवाब दिया कि भाई, मैं पूछा कि बेटा तुम्हारा भगवान कौन सा है, तो वो बोलता है सवारी है। तो कोई गोंड का भगवान सवारी नहीं हो सकता। तो सबके देव हमारे लोग मना रहे हैं और हमारे जो भगवान हैं वो भूल रहे हैं, जो अपने खुद के माँ बाप को घर के बाहर निकल रहे हैं। तो हमारे खेड़ा पेड़े में गए तो हमारे हमारे जो युवा पीढ़ी है भीमालकेन भीमाल
जो भांजे होता है तब नहीं आते, हमारा फिरसा पेन का भांजे होता है तब नहीं आते, लेकिन गणपति और दुर्गा देवी में देखो हमारे बच्चे, वो जो वर्गनी जमा करने में हमारे बच्चे होते हैं, हमारे महिलाएं नाचने में वही आगे होते हैं। अरे दुर्गा देवी के हमारी अब हमारे भगवान है क्या? हाँ, दुर्गा देवी तो हमारे राजा महिषासुर को मारा है, लेकिन उनको इसकी मालूमत नहीं है। जो हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, यह साहित्य पढ़ के हमारे लोगों को हमारे कौन से कौन है, हमारे दुश्मन कौन है, यह बताना चाहिए। लेकिन हम पढ़ने के बाद जब हम एम्प्लॉय बन जाते हैं, सर्विस पे काम करने लगते हैं, तो समाज को भूल जाते हैं। हम बताते हैं मम्मी, अपनी बीबी, अपना घर और अपनी गाड़ी, इसके और इसलिए दोस्तों कि हम समाज की ओर ध्यान देना चाहिए। अभी मैं तो अभी वैसे बहुत क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ये कुछ लिस्ट मैंने वैसे कि जो हमारा हमारा जो फड़ापेन है, जो मरापे लोगों का, वो तेलंगाना में उतनूर के पास जो एक सालेवाड़ा नाम का गांव है, तो वहाँ है, तो मैं मेरे के सब लोगों को वहाँ लेके गया था कि हमारे इधर यहाँ से वो करीब करीब 80 किलोमीटर है। पहले गाड़ियों की सुविधा नहीं थी, बैलगाड़ी से जाना पड़ता था। देखिए हम उनको हमारे भगवान हमारा जो फड़ापेन है फड़ापेन बताया कि अपने फड़ापेन के पास जमा होने में बराबर है कि उधर छत्तीसगढ़ में आंगापेन बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में आंगापेन बोलते हैं, लेकिन हमारे इधर तेरसापेन बोलते हैं। अलग अलग भाग में कोई आंगापेन बोलते हैं, कोई बड़ादेव बोलते हैं, कोई तेरसापेन बोलते हैं। तो यह बोलना चाहिए कि अपने जो बच्चे हैं, बच्चों को अपनों की जानकारी, ये ऐसे मेरे विचार है। मैं जो काम करता तो समाज के लिए क्या कर सकूं कि हर साल मैं जो कचारगढ़ में जाता हूं तो हमारी उषा दीदी हमारी बहुत व्यवस्था करती है। हम फोन करके उनको बता देते हैं कि दीदी हम आने वाले हैं, वहां हमारा शामियाना लगा के सब पानी की वगैरह हमारी उषा दीदी वहाँ व्यवस्था करती थी। सुंदर सिंह ताराम दादा थे, वो भी हमको बहुत मदद करते थे, लेकिन वो हमारे से वो निकल गए, वो पेनवासी हो गए। उनका भी हमको बहुत सहयोग था, सुंदर सिंह ताराम दादा का। और मैं दादा और शीतल मरकम के साथ हमारे एरिया में हम गांव-गांव में जाकर हम प्रोग्राम लेते थे। पहले हम जागृति करते थे कोयापुने विषय पर। पहले कोयापुने मालूम नहीं होता कहीं कोयापुने को अगर ये दिया है न्याय दिया है तो मोती रावण कंगाली दादा ने दिया है, और गोंडवाना दर्शन के माध्यम से सुंदर सिंह ताराम दादा ने दिया है। तो इन लोगों को हम ध्यान में रखना चाहिए। वे तो हमारे इसमें नहीं रहे, लेकिन उनके विचार कि हम उनका विचारों का प्रसार प्रचार हमने करना चाहिए। मैंने मेरी से तो जितना प्रचार प्रसार कर सकता हूँ वह करता। मैं हर गांव में जाता, हर प्रोग्राम में जाता। अभी जो अम्बोरा है नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कोही तालुका है, वहाँ कोलासुर का ठिकाना है, तो 2 साल हो गए वहाँ अभी मेला भरने लगा। तो पहले साल से मैं वहाँ अम्बोरा जाता हूँ। वहाँ इस साल तो मैंने पूरी ट्रैवल्स भर के पूरे हमारे 50 लोग ले गया था। मैंने उनको बताया तो हमारे जो चारदेव का जो भूमकल है, पाँचदेव का भूमकल है, छःदेव का भूमकल है, सातदेव का भूमकल है, तो इनका सबको जानकारी देना चाहिए। तो उतनूर से 100 किलोमीटर दूरी पर जो हमारे पद्मलपुरी काको है, पद्मलपुरी काको,
कि जो अपने जो कोया पेन है, कोया पेन की माँ सोना देवी, सोना देवी का वह महका है अपना पद्मालपुरी काको, तो वहाँ अपने दिवाली में जो पहले आदिलाबाद जिला, यह बहुत भारत में बड़ा जिला था, अभी उस जिले के चार जिले हो गए, तो चारों भी जिले के लोग वहाँ दिवाली में अपना जो दंडार है, दंडार लेके पद्मालपुरी काकू के पास आते हैं, तो वहाँ भी जाना चाहिए, वहाँ का भी इतिहास हम जानना चाहिए। तो हमारा जो चौथे जो धर्मगुरु है, अपना धर्मगुरु ने लिंगो है भीमालपेन, जो भीमगढ़ है, भीमगढ़ में चैत्र महीने में वहाँ भी मेला लगता है, वहाँ भी हमारे जंगोदाई की टीम ट्रैवल्स लेके, हमारा जो फेपारा है, ढोल है, ढोल लेके हम वहाँ भी गए थे। वहाँ शंकर राव मरस को ले अध्यक्ष है, वहाँ केपी प्रधान साहब भी हमारे साथ आए थे, तो वहाँ भी हमारे लोगों को वहाँ की भी जानकारी देना चाहिए, वहाँ भी जाना चाहिए। जो हमारे जो ठिकाने है, वह भीमगढ़ हो, वह कचारगढ़ हो, वह अंबारों का कोलासुर का ठिकाना हो, वह भी बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ भी हिंदूकरण वहाँ भी हो रहा, अपर अगर हम जल्दी वहाँ जागरूक होके वहाँ अपन नहीं पहुँचे तो वह भी जैसा ये जो नागपुर का जो अभी लक्ष्मी मंदिर हो गया वैसा होने वाला है। तो मेरी विनंती है कि नावा मेरे को दंडोज मनता कि मावांग जो ठिकान मनता हूँ और ठिकान का ना अपन अपने लोगों को महती कितना और कुनो अगर वो सी तोहता पाजे अपला तेलंगाना तरफ अपला जो किसलापुर मनता मेसरामुरा नागदेवताल मनता का अगर वो रू जवर जवर सरकार थिंदाल और कुनो उन्दी करोड़ रुपए मंजूर आसी पन वो रू सरकार ता वो रू मदद इतना किन वो रू सीयूं सीयूं हजार कोत्तांगो दहा हजार कोत्तांगो वो रूपांगो जमा किसी जवर जवर वो रू रंड करोड़ रुपांग जमा किते रंड करोड़ ता का टेम्पल तैयार असे म्हणता म्हणजे समाज ना भरोसा खरो म्हणजे आपण सगळे रू आपला जो ठिकाण म्हणता हो आपला ठिकाण की आपण लक्ष सीता पाहिजे आणि आपला जो कोया विचार म्हणता कोया संस्कृती म्हणता कोया इतिहास म्हणता आज कोया इतिहास ना प्रचार प्रसार किता पाहिजे आपण तो बदे स्टेट ने रू निमिट कोयतूर मन किटू थोसा इंगे मावा कोयान फोरो जोरा मराठीचा प्रभाव म्हणता मावा स्टेटना राज्यभाषा म्हणता मराठी तेलंगणाचा जो गोंडी म्हणता प्रभाव म्हणता नंतर एमपी ते वरू पूर्ण गोंडी भाषा सुटी कितीर वर छत्तीसगढी किंवा दुसरी भाषा वडकान तेरू ते आपला कोया भाषा आता टिके माता पाहिजे इंजेरू कोया भाषातांग आपण वर्ग क्ला वर्ग सुरू किता पाहिजे सुडूक कांड्रे कुनो आपला कोया बोली म्हणजे गोंडी भाषा मा कोया ते रिंगे तन आधुनिकरण आता गोंडी ते गोंडी आपण आपला कोण वाता पाहिजे गोंडी करिता पाहिजे गोंडी तां पुस्तको लिखिता पाहिजे ननबी इंगे लॉकडाऊन तरफो आपलो जो शहीद बहान बाबूराव शेडमाकाल म्हणतो दान तेलंगणा तरफ कुमरा भीमाल म्हणतो ओना कुमरा भीमाना पूर्ण इतिहास वाचिकितोन ओनेरू पेकुरू ओनेरू म्हणजे तंगमरीर ओरा पूर्ण नाना माहिती तिंतोन काही दिवस ने नावा भी होऊन दी तान फोर होऊन दी पुस्तक प्रकाशित केवल नावा विचार म्हणता इंगे नाकोनू मावर नंदकिशोर दादा नैताम आणि बच्चू वड्डे वेरू नाकोनू होऊन वरू रिक्वेस्ट कितेर की मरपे दादा की निमे इथे आपला फेसबुक जो पेज म्हणता इथ पेजून फुरो ओळखता पाहिजे हा म्हणजे तुम मराठे दादा आप जो हमारा जो हमने फेसबुक पेज शुरू किया है तो इस पर आप बोलना चाहिए तो पहले हमारे गोंडी साहित्यिक मारुति दादा उइके यह बोले कल ही हमारे कमलेश गोंड
जीएसयू के प्रेसिडेंट वे बोले तो आप भी बोलना चाहिए, इस तरह उन्होंने मुझे सुझाव दिया। तो मैं बोला कि भाई मैं तो कभी वही काम करता हूँ लेकिन ऐसा इस पर कभी बोला नहीं, लेकिन वही ऐसे भाषण वगैरह देते रहता। हाँ तो वही वही ने मैंने ऐसी कुछ तैयारी वगैरह नहीं की, जो मेरे मन में जो विचार थे, हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ, तो वह मैंने बताया कि कहीं भी कोया पुणे में हो कहीं हो मैं वहाँ बिल्कुल मेरी हाजिरी लगती है। कि 2018 में हम जो पेन कसड़ का कार्यक्रम था भामरागढ़ के पास परायनार, वहाँ बिच्छू दादा वड्डे, श्रीनिवास सुरपाम और अपने नंदकिशोर नेताम और नागपुर के वो पवन जी, ये थे हम साथ थे। पेन कसड़ के कार्यक्रम में भी गया, जहाँ जो गोंडों की संस्कृति है कि वहाँ मैं पहुँचता हूँ। दिवाली के समय मैं तेलंगाना में रहता हूँ, तेलंगाना में जो दिवाली के टाइम पे हर गांव में गोंड गांव में दंडर चलता है, पुरुषों का दंडर अलग और महिलाओं का दंडर अलग। महिलाएं भी हाथ पकड़कर अपनी जो संस्कृति की गीत गाते हैं। संस्कृति क्या है, हमारे भगवान कौन है, हमारे दुश्मन कौन है, वो उस गीत में गाते हैं। तो वहाँ भी मैं जाकर उसका परिचय किया हूँ। हमारे जो कुमराम भीमू का जो शहीद स्थल है जोड़ेन घाट, वहाँ जो दशहरा पूर्णिमा होती है तो वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, 10,000 लोगों का पूरा गवर्नमेंट खर्चा करती है 25 लाख रुपए। तो वहाँ भी हर साल मैं जाता हूँ। तो अपने जो तो वो शहीदों की जानकारी, उनका इतिहास कि हमारे समाज तक कैसा पहुँच सके, इसका जो साहित्यकार है, साहित्यकारों ने साहित्य निर्माण करना चाहिए, और अपने जो एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी है, तो यह साहित्य प्रकाशित करने के लिए अपना जो आर्थिक मदद है, आर्थिक मदद करना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। कि अभी बोलूँ तो मैं बहुत से विषय है दोस्तों, कि अपने बच्चों को कि